हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। तारीख हो गई है आज 21। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तैयारी में अच्छे से लग जाइए आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है देखिएगा और सोच समझ कर आंसर ही दीजिएगा आप लोग। हाँ, क्वेश्चन है गाइस, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस, दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि रुचि होती है जन्मजात अर्जित दोनों कोई नहीं। तो रुचि जो होती है, ये रुचि किस में होती है, जन्मजात में होती है, अर्जित में होती है, दोनों में होती है या कोई में नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों यानी कि जन्मजात और अर्जित। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आदतें होती हैं जन्मजात अर्जित दोनों कोई नहीं। तो आदतें जो होती हैं ये अर्जित होती हैं, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है, प्रतिक्षण से, आचरण से, शिक्षण से, अनुदेशन से। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आचरण से। ओके गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, आत्म का केंद्रीय भाग है व्यवहार व्यक्तिगत बुद्धि कोई नहीं। आत्म का केंद्रीय भाग है, आत्म का केंद्रीय जो भाग है वो ऑप्शन वी व्यक्तिगत। ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रह किसके नाम से जाना जाता है, प्रतिपुष्टि, शोध अध्ययन, जनमत सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वी जो है आपका शोध अध्ययन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा परिचालित दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, थी टाइम्स ऑफ इंडिया, थी इंडियन एक्सप्रेस, थी हिंदू, थी डेकन हेराल्ड। सबसे बड़ा परिचालक दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, थी टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, आठवां क्वेश्चन है, संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा क्या है, दर्शकों का रवैया, बी है दर्शकों को ज्ञान, सी है दर्शकों की शिक्षा, डी है दर्शकों की आय। ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, दर्शकों का रवैया। गाइस अगला क्वेश्चन, संचार का मूल उद्देश्य क्या है, सूचित करने के लिए, सुधार करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, बनाने के लिए। संचार का मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूचित करने के लिए। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से कौन महत्वपूर्ण है, प्रभावी सुनना, बोला जा रहा है, बात कर रहे, लिख रहे हैं। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभावी सुनना। गाइस अगला क्वेश्चन है कि प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया, कोहलर, आईपी पालवल, थार्नडाइक, वी एफ स्किनर। ऑप्शन सी थार्नडाइक। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है, ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राणी निष्क्रिय होता है।
गाइस 13वां क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है विलोप तथा विभेदन, सामान्यीकरण, स्वत पुनः प्राप्ति, उक्त सभी। अधिगम प्रक्रिया है, ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उक्त सभी। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन है, अव्यक्त अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल, बंडूरा, टोलमैन, सेलिंगमैन तथा मायर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका टोलमैन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस कि बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेषण अधिगम के तत्व बताए हैं, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रक्षेपण अधिगम के तत्व बताए हैं। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर, ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक स्तर। ऑप्शन ए जो है आपका प्राथमिक स्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें आपको असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन सी प्रयोगात्मक परीक्षा से विद्यार्थी की क्रियाशीलता तथा अव्यक्ति की तुरंत जांच की जाती है। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगयात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ओके गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए सोच समझ कर। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आकलन से अध्यापक बच्चों की अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपृष्टि भी होती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मूल्यांकन में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, मूल्यांकन में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 क्या है, व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती हैं क्या हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन ए अभिक्षमता, अभिक्षमता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना की एकांतता, मानसिक तत्परता, उत्तेजना की प्रकृति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानसिक तत्परता। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की, उपरोक्त सभी की। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। 24 ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं निष्कर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, 26वां क्वेश्चन है गाइस, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में
अधिक रुचि लेते हैं? ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामूहिक। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्थविज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, इसको कहा जाता है स्वर विज्ञान, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिता का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। ओके, 30 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था। उसी वाला जो ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किस प्रेक्षण में प्रेषक प्रेषित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? ऑप्शन ए सहभागी, तो सहभागी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, या इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सार्वजनिक संप्रेषण, तो सार्वजनिक संप्रेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्म स्टोव को इन्हें पर उंगलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? वाचिक संप्रेषण, अवाचिक संप्रेषण, भाषाई संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अवाचिक संप्रेषण, तो अवाचिक संप्रेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 34 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा, सशर्त सम्मान, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देगा 35, श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? श्रवण में कौन सी जो विशेषता है वो नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन बी अधर्मन, तो अधर्मन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन का हृदय है नियंत्रण, अभिप्रेरणा, शबनय, संगठन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरणा, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी का उपयोग हो रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, संपूर्ण विश्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण विश्व में। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, नेतृत्व का प्रकार है लोकतांत्रिक नेतृत्व, अधिनायक नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व, उपयुक्त सभी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय शामिल था संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सूची में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, स्व अनुशासन, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 में निंदनात्मक शिक्षण हेतु साप्ताहिक कालांश है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा, ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन गाइस है कि पारी प्रभारी के कौन से कालांश रिक्त रखे जाने चाहिए? ऑप्शन ए प्रथम व पंचम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, विद्यालय से संबंधित
परिचयात्मक सूचनाएं विद्यालय योजना के किस खंड में प्रस्तुत की जाती हैं? प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, मूल्यांकन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय खंड। ओके, सर्वप्रथम विद्यालय समुन्नयन योजना की अभिशंसा किसने की थी? कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुद्रा लेयर आयोग। मुद्रा लेयर आयोग, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। समय विभाग चक्र को विद्युत का स्पार्क प्लग किसने कहा है? पिटमैन, प्रोफेसर वीसी राय, एस एन मुखर्जी, जीवन नायकम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोफेसर वीसी राय। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है गाइस? भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास। गाइस अगला क्वेश्चन है कि सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, तो प्रजातांत्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी उनका वेतन कम है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो, अभ्यास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए अध्यापक का ज्ञान। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, आज तारीख हो गई है 21 और 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो तैयारी पर फोकस करते रहिए और रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।